एक गुब्बारा तो फूट चुका है, बड़ा वाला बैलून। खाना वगैरह हो चुका है और यहाँ पे चल रही है अभी बच्चों की मस्ती। हाँ पहनो, लाए इसीलिए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदु अग्रवाल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, दोपहर का टाइम है, दो बज चुके हैं और यहाँ पे अभी मैं अपने काम से फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा है ब्लॉग ही स्टार्ट कर लूँ। आज है तीज तो यहाँ पे तीज का सामान दिया था मम्मी ने मुझे, तो सास से बहुओं को देती हैं सामान हमारे यहाँ तीज पर। और हेलो, हाँ गया है आयन, और आज आयन विवान का बर्थडे भी है तो आज आयन बर्थडे बॉय है, विवान भी है, ये दोनों खेल रहे हैं। आज स्कूल भी नहीं गए, वैसे इनका स्कूल जाने का प्लान था आज का, लेकिन अचानक एंड मौके पर इन्होंने मना कर दिया कि हम लोगों को स्कूल नहीं जाना, आज मन नहीं है। तो हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज बर्थडे बॉय की, आज बर्थडे बॉय का कहना मानते हैं, चलो कोई नहीं। तो आज ये लोग घर पर ही थे सुबह से, तो पढ़ने का तो नाम ही नहीं है इनका, घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। आज बर्थडे बॉय का बर्थडे है तो बर्थडे विश कर देना सब लोग आयन विवान को। बर्थडे है ना आज सच में? तो अभी तो हम लोग बस बैठे हुए थे और बच्चे अभी खेल रहे थे बैट बॉल घर में, विवान अभी बाहर पता नहीं क्या कर रहा है आंगन में खड़े होके, उसकी शैतानी हमेशा चालू ही रहती है नॉन स्टॉप, उसको कितना भी मना करे कोई, कितना भी रोको, उसकी शैतानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अभी तो कुछ नहीं, शाम को देखते हैं। वैसे इस बार हम बर्थडे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सिंपल तरीके से ही अपना घर में ही इंजॉय करेंगे, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। एक दो बच्चों के फ्रेंड्स आएंगे बस, और बाकी कुछ फैमिली मेम्बर्स ही रहेंगे, और शाम को मेरे भाई भी आएंगे दोनों, बस बाकी कोई ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं, और आज इनके पापा भी ऑफिस चले गए थे सुबह तो वो भी जल्दी आ जाएंगे, 3-4 बजे तक आ जाएंगे वो भी। अभी तो बस यही काम चल रहा है, बाकी शाम को खाना वाना जो भी बनेगा, जो भी कुछ होगा आपको सब भी दिखाया जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, शाम हो चुकी है और 5 बज चुके हैं, बच्चे ट्यूशन चले गए थे दोपहर को 3:30 बजे और बच्चे भी आ चुके हैं। आयन अभी अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, हस्बैंड जी भी अभी आए हैं, जस्ट 10 मिनट ही हुए उनको आए हुए, तो यहाँ पे अभी मैंने उनके लिए चाय बना दी है, ग्लास में उनकी चाय रखी हुई है और टोस्ट लगा दिए हैं उनके, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पे शाम के लिए जो भी हम लोगों को बनाना था, बच्चे आएंगे, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह और भाई वगैरह आएंगे, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा मतलब हैवी कुछ नहीं बनाया, बच्चों को वही चीज़ बनाया जो बच्चों को पसंद है, हमारे बच्चों को भी पसंद है और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको भी वो चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया है भाजी है ये, तो पाव भाजी हम लोगों ने बनाई है, और दूसरा हमने बनाया है, दूसरी चीज़ है इडली सांभर हमने बनाई है, तो यहाँ पर सांभर भी बन के हमारी रेडी हो गई है, और इडली हमारी अभी बाहर आंगन में रखी हुई है वो भी बन के रेडी हो गया है। बस शाम को जब बच्चे आएंगे केक कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद पाव वगैरह सेक लेंगे गरम गरम, और बाकी सब तो तैयारी हो चुकी है, खाने पीने की सारा काम भी मैंने शाम का निपटा लिया है, झाड़ू वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो अभी बस हस्बैंड जी चाय पी लें, उसके बाद हम लोग बैलून्स वगैरह फुलाएंगे, थोड़ा ही डेकोरेशन करेंगे, हम ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करेंगे इस बार, तो बस थोड़ा ज़रूरी सा डेकोरेशन हम लोग करेंगे, और उसके बाद हिमांशी दीदी भी आ जाएंगी, भाई भी आ जाएंगे, बाकी तो आपको आगे वीडियो में देखने को ही मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, पहले हस्बैंड जी को चाय पीने देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या फूल, हाँ दे दिए, ले आए आगे फूल। सो गाइस, यहाँ पे बर्थडे के लिए बलून्स वगैरह हम लोग अब फुलाने वाले हैं, और ये हार्ट शेप के बलून लेकर आए हैं हस्बैंड,
ये बड़ा वाला बैलून एक ही फुलाना है कि दोनों फुलाने हैं? एक एक ना, दो से क्या करना। और ये है केक वाली कैंडल्स, और ये ईयर वाली कैंडल्स। तो अभी तो इनको इसमें थैली में ही रख देते हैं। ये वाला तो बाद में ही फुलाएंगे ना। सोना की आवाज आई। सो गाइस, बलून हमने निकाल लिए, अब इनको फुलाते हैं। हम लोग आ गए हैं बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पे हम लोग बलून फुलाएंगे, लगाएंगे। चलिए गाइस, इस काम को भी करते हैं। वहाँ पे हम लोग बाहर के रूम में गए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अभी काम हो रहा है, तो हम लोग फिर से आ गए हैं अंदर वाले रूम में। और यहीं पर बच्चे फुला रहे हैं बलून्स। बच्चों ने बलून्स फुलाना स्टार्ट कर दिया है। शौक बहुत है भाई बच्चों को बलून्स फुलाने का। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। आज सुबह ही गड़बड़ हो गई थी वैसे तो, फिर मैंने आपको बताया। अरे नहीं फटेगा ना, पापा फुला रहे हैं ना। तो गड़बड़ ये हुई है कि आज हमारी समर खराब हो गई है, तो वही बाहर सब लोग ठीक करा रहे हैं। गेट पे उसका जो चैम्बर होता है सही करने का, तो वो लगा हुआ है। वहीं पर सब लोग, अभी खुदाई चल रही है। और पानी एक ऐसी चीज़ है भाई, पानी के बिना सारे काम रुक जाते हैं, तो उसको सही कराना भी ज़रूरी है। बट मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता है कि जब कुछ करना होता है ना घर में, तो तभी सारी परेशानियाँ क्यों आती हैं। मतलब समर को भी ना आज ही ख़राब होना था, बट कोई नहीं, वो भी काम करना ज़रूरी है और ये बर्थडे का काम भी करना ज़रूरी है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं और बलून्स फुलाने के काम में लग चुके हैं। जल्दी आने का फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा। मुँह से ये क्या, इसमें छेद हो रहा है, देखो इसमें छेद है ये शायद। भाई मेरे से तो मुँह से तो बलून्स में बिल्कुल नहीं फुला पाती हूँ, तो मैं ना गांठ लगाने का काम करूंगा। तो चलिए गाइस, बलून फुलाते हैं जल्दी जल्दी। टेप से नहीं होगा ना, इसको अलग रख दो, नहीं होगा टेप से। लाओ गांठ में लगा भी फुला लिया करो ताकि फूटे ना। गैस निकल रही है। ये क्या कर रहे हो? सो गाइस, यहाँ पे हमने बलून्स सारे लगा दिए हैं दीवारों पर, बस थोड़े ही हमने बलून्स लगाए हैं, ज्यादा बलून्स नहीं लगाए हैं। और बाहर हमारा अभी समर सही होने का काम अभी चल रहा है, पता नहीं अभी समर को सही होने में अभी कितना टाइम और लगेगा। तो जब तक हम अभी अपना काम कर लेते हैं, जो भी हमारा बचा हुआ काम है, फिर उसके बाद बच्चे भी आ जाएंगे। बाकी जेंट्स सारे लगे हुए हैं, समर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे बच्चे भी अभी रेडी हो रहे हैं। आयन विवान, आयन तो रेडी होके तैयार होके बैठ गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और हस्बैंड जा रहे हैं केक लेने के लिए, क्योंकि बच्चों की केक अभी हमारी समर खराब हो गई थी, तो उसी में टाइम वेस्ट बहुत हो गया, तो केक नहीं आ पाए। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं शॉप पर केक लेने के लिए। हेलो
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केक की शॉप पर। यहाँ पर ये पाइनएप्पल, ये चॉकलेट, ये चॉकलेट वाला कुछ जो है वो गाइस हम लोगों ने केक पैक करा लिया और हम जा रहे हैं घर पे वापस। अरे कोई बात नहीं, रात में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। मतलब बहुत ट्रैफिक तो रहता है लेकिन बहुत लाइटिंग वगैरह हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ का व्यू, लेकिन ट्रैफिक बहुत रहता है इस टाइम पे। यहाँ हम लोग घर पे आ चुके हैं केक लेके और यहाँ पे और यहाँ पे भाई जी आ चुके हैं, भानु फुलाने में लगा हुआ है, गुब्बारा आती काम पे लगा दिया है और बच्चों को मिल चुकी है उनकी वॉच, यही वॉच उनको चाहिए थी तो बच्चों की वॉच को मामा पहन कर देख रहे हैं। टाइम टाइम आ रहा है, देखना कितने बज रहे हैं। विमान तुम भी पहनो बेटा वॉच अपनी, भानु। तो एक गुब्बारा तो फूट चुका है बड़ा वाला बैलून और ये दूसरा बैलून फुलाया जा रहा है। अनिका अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। मैं लेके जाऊंगा इसको। अरे अभी आया कल और कल। हाँ हाँ ला रही है। तो यहाँ पे हमारी हिमांशी दीदी आ गई है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है। कोल्ड ड्रिंक और हमारी आंटी। हेलो मैडम, छोटी मैडम। तो यहाँ पे केक लग चुके हैं और यहाँ कैंडल जलाई जा रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अयान विवान टू यू, पीपल गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर ट्विंस, हैप्पी बर्थडे टू यू। सही से कर इसका हैंगी, सही कर, छोटा छोटा पीछे रख, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बड़ा हाथ रख ले, हाथ रख ले, हाथ रख ले, हाथ से उड़ेगा नहीं, मैं जो रख लूं ऊपर, एक हाथ रख ले सीधा, हाथ ये पैसे देने पड़ेंगे टीके के और क्या, लाली को देते पैर छूना, बुआ के सबके छूना।
बिंदी लगा दी दोनों भैया दोनों क्वालिटी वो बंद कर दिया है इसको हॉटस्पॉट पता नहीं देख लेंगे अभी रुक जाओ दो मिनट चलो बाबू आप सबके पैर छुओ तुम दोनों भैया आके चलो बंद है मामा के नहीं छूते बेटा अरे अरे मामा के नहीं छूते मामा उल्टे छूते हैं प्यार कमाई हो दीदी कमाई सो गाइस यहाँ पे केक कट चुका है यहाँ पे केक कटिंग हो रही है लाओ आंटी मैं देख गया हाँ केक कटिंग और पर्सिंग दोनों चीज हो रही है अंकल केक हो चुका है और अब यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती बच्चों कैसा लगा खाना खाना अच्छा लगा कीर्ति का छोटी बहन तो चली गई है बेचारी वो रोती रही और यहाँ पे भानु मामा अपनी बॉडी दिखा रहे हैं बच्चों को ऐसे दिख नहीं रही बॉडी अच्छा बच्चे अपनी हिमांशी बुआ का गिफ्ट देख रहे हैं क्या मिला है बाबू बैग वाह अच्छा गिफ्ट लेकर आई है बुआ स्कूल बैग हाँ अरे ये भी पेन ये तो फिफ्थ क्लास में काम आएंगे क्या ये कलर्ड पेन मतलब अच्छा 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 ऐसा लग रहा है कि पेन है वैसे रात में स्कूल जाओगे हैं सो गाइस सबको खाना खिलाने के बाद फाइनली हम लोगों का भी खाने का मौका आ गया है हस्बैंड तो चुपचाप खाना खा रहे हैं क्योंकि 10:15 बज चुके हैं रात के और हमारी वजह से दीदी भी लेट हो गई खाना खाने में दीदी अच्छा बना है खाना खाना जो भी अच्छा बना है सो गाइस बर्थडे खत्म हो चुका है और सब लोग अपने अपने घर पे चले गए हैं फ्रिज में देख लो सो गाइस सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं बर्थडे खत्म हो चुका है और बर्थडे बॉय ने यहाँ पे कपड़े भी चेंज कर लिए उतार लिए हैं क्योंकि बर्थडे बॉय अब सोएगा और बाकी हम लोग भी सब कपड़े वपड़े चेंज करके सोएंगे तो नहीं अभी तो अभी जो फैला रहा रायता फैलाया था उसको समेटना है अभी किचन पूरी ऐसी बिखरी हुई पड़ी है तो अभी उसको मैं समेटने जाऊंगी उससे पहले कपड़े चेंज करूंगी तो चलिए गाइस ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देना वैसे बच्चों का बर्थडे मनाने का इस बार कोई ऐसा खास मन था नहीं किसी का पर नाना करते करते हाँ हो ही गई लास्ट में बर्थडे मन ही गया बच्चों का तो बच्चों की खुशी के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है तो इस खुशी के लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट बीबू बाय बोलो बाय बाय ये बच्चों की वॉच है गिफ्ट में मिली है